कुरुक्षेत्र धर्म नगरी एक बार फिर हुई शर्मसार। एक सप्ताह में दो बच्चियों के साथ रेप की कोशिश करने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों बच्चियां कुरुक्षेत्र में अलग अलग स्थान की रहने वाली हैं। अगर बात करें इस्माइलाबाद की बच्ची जिसकी उम्र लगभग 6 साल बताई जा रही है, उस बच्ची के परिवार में से ही एक व्यक्ति ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। ऐसे ही दूसरी बच्ची जो कि कुरुक्षेत्र की एक कॉलोनी की रहने वाली है, उसके 7 सप्ताह पहले भी पड़ोस के रहने वाले 40 से 45 वर्षीय उम्र के व्यक्ति ने रेप की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया और दोनों के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। ऐसी घटनाओं की निंदा करते हुए समाज सेवी डॉक्टर संतोष धैया ने भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को नहीं बख्शना चाहिए और हम स्कूलों में जाकर बच्चियों को ऐसे मामलों की जानकारी दे रहे हैं और कहीं ना कहीं डॉक्टर संतोष धैया ने खट्टर सरकार को भी घेरते हुए कहा कि एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, असल में कहां बेटियां सुरक्षित हैं। लड़कियों के साथ हरियाणा में रेप के बहुत से केस आ चुके हैं जिन्हें सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। लड़की 6 साल की छोटी बच्ची है और इनके पड़ोस में रिश्तेदारी में से ही है जिसने ऐसा काम किया। ये लड़की के साथ गलत उसमें कोशिश बस लड़की के साथ लेटा हुआ था जिसकी माँ ने शाम को आके देख लिया तो और हमने मुकदमा पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज कर लिया गया और इसके अरेस्ट में लिया। क्षेत्र की कॉलोनी में एक बच्चे के साथ 40 साल की उम्र के आदमी ने कोशिश की है और उसके साथ साथ इस्माइलाबाद से अभी खबर आई है कि 5-6 साल की बच्ची के साथ एक घिनौनी हरकत करने की फिर कोशिश की गई है। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि जो सरकार ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस अभियान का उस नारे का क्या हुआ। आज प्रदेश में हर दिन 4 बच्चियों के साथ बलात्कार होता है और गैंगरेप की घटनाएँ एक महीने में 11, 12, 18 इतनी हर महीने, ये अपने आंकड़े क्यों नहीं आज ऑनलाइन के क्यों नहीं मिल रहे। इसका एक मुख्य कारण है क्योंकि हर महीने 10,000 से ज़्यादा जो आंकड़े हैं अपराध के वो दर्ज किए जा रहे हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि सरकार को जो नारा इन्होंने दिया कम से कम उसको तो सार्थक ये करते। आज बेटियाँ तराही तराही कर रहे हैं, आज माँ बाप परेशान हैं क्योंकि उनकी बच्चियां कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में हम एक मुहिम चलाए हुए हैं कि लोगों को अवेयर करें अपनी बच्चियों को सुरक्षित करने के लिए। हमने स्कूलों में भी एक अभियान छेड़ा गुड टच बैड टच के लिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि छोटी छोटी बच्चियां जो मासूम हैं जिनको मालूम नहीं उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति की मंशा क्या है, उन बच्चियों को हम ये बताते हैं कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, जो उनके पास आता है उनके संपर्क में आता है वो उससे अवेयर रहेंगी तो कहीं ना कहीं क्राइम से उनको बचाया जा सकता है। आपका परिचय? मैं डॉक्टर संतोष दहिया सर्व जातीय सरोखा महापंचायत की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए ये जो दुष्कर्म की घटनाएं आती है, प्रयास किया गया पूरे समाज के लिए पीड़ा देने वाली बात है और जब से मनोहर लाल जी ने सत्ता संभाली है वैसे तो प्रयास चलते रहे हैं, लेकिन जो प्रयास यहाँ हुए सरकार में हुए हैं, चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें जो मोदी जी के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, चाहे हम मनोहर सरकार की बात करें, यहाँ महिलाओं के उच्चतर उनके विकास के लिए प्रयास किया जा रहा है, उनको सुरक्षित माहौल देने का प्रयास किया जा रहा है। जो ये नशा इस तरह की घटनाओं के पीछे पाया जाता है उसको लगाम लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने ये फैसला लिया है, बहुत बढ़िया लिया है। महिला आयोग फील्ड में ज़्यादा रहता है, ये नहीं कि हम चंडीगढ़ बैठ गए, हम फील्ड में रहते हैं, महिलाओं को किस तरह की समस्याएं आ रही हैं उनके समाधान के लिए क्या किया जा सकता है, किसको लिखा जा सकता है, हम हर संभव प्रयास करते हैं। और रही बात जो समझौते वाली आती है, कहीं महिलाएं या कोई बच्चियां हैं बच्चियों के परिवार के लोग कहीं ना कहीं किसी दबाव में दुष्कर्म वाली घटना पर भी या छेड़छाड़ हुई है वहाँ भी समझौते की कोशिश करते हैं, वो समझौता कर लेते हैं दबाव में। तो हम आप लोगों के माध्यम से मीडिया के माध्यम से उनको ये बताना चाहते हैं कि हरियाणा राज्य महिला आयोग, हरियाणा की सरकार और हरियाणा का पुलिस प्रशासन उनके साथ खड़ा है, वो किसी दबाव में ना आए, खुलकर हरियाणा महिला आयोग से संपर्क में आए, हमें शिकायत दें, उनकी हर तरह से मदद की जाएगी, कोई उनको किसी तरह से परेशान नहीं करेगा। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।